दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि घर का डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज पर वास्तु, देखिए वास्तु के अनुसार घर बनाने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रखना चाहिए। उसके लिए अगर हम शुरुआत करते हैं किचन से, किचन कहाँ पे रखना चाहिए आज पर वास्तु। देखिए किचन के लिए सबसे बेस्ट जो जगह होता है वो होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो तो आप ईस्ट में भी बना सकते हो किचन, उसके बाद से साउथ में भी किचन बना सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है तब जा कर के नॉर्थ में, वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में किचन बना सकते हो। लेकिन किसी भी हालात में नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किचन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो जल का स्थान होता है और किचन अग्नि का स्थान है। इन दोनों को एक साथ हम नहीं जोड़ सकते। अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो आपके घर की तरक्की पे असर करेगा, क्योंकि मैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए घर का डिजाइन करता हूँ। अब दूसरी बात, हम आते हैं स्टेयर केस पे। स्टेयर केस एज पर वास्तु कहाँ देना चाहिए। देखिए ये स्टेयर केस के लिए सबसे अच्छा जगह होता है वो होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से अच्छा जगह और कोई नहीं होता स्टेयर केस के लिए। अगर साउथ वेस्ट में स्टेयर केस नहीं बन पा रहा है तो उसके बाद कहाँ कहाँ बना सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर जो साउथ वेस्ट में स्टेयर केस नहीं बन पा रहा है तो आप साउथ ईस्ट में स्टेयर केस बना सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हो, वेस्ट में बना सकते हो और साउथ में बना सकते हो। लेकिन किसी भी दशा में, किसी भी हालात में आपको स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस बनाने से मृत्युतुल कष्ट मिलता है, घर की उन्नति बंद हो जाती है, मृत्युतुल कष्ट मिलता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का बहुत भारी बीमारी से पीड़ित हो जाना, इस तरह की बीमारियां, इस तरह की बातें उपट के आती है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं इस क्षेत्र में हूँ, घर का ड्राइंग बनाता हूँ, एज पर वास्तु भी चेक करता हूँ, लेकिन हमने देखा प्रैक्टिकली जिनका भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस और किचन है उनके घर पर मृत्युतुल कष्ट मिला है। अब आते हैं, बात करते हैं टॉयलेट कहाँ बनाना चाहिए एज पर वास्तु। टॉयलेट के लिए जो सबसे अच्छा जगह होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सबसे बढ़िया जगह होता है टॉयलेट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना सकते हो तो आप साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना सकते हो, फिर उसके बाद से वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हो, उसके बाद से साउथ में भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी नहीं बन सकता है तो आप नॉर्थ में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा डेंजर नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छा मैं बताया हूँ उससे पहले, उसके बाद से नहीं बन पा रहा है तब आप नॉर्थ में बना सकते हो। उसके बाद अगर कहीं भी नहीं बन पा रहा है तब जा कर के ईस्ट में बनाओगे टॉयलेट। उसके बाद वहाँ भी नहीं बन पा रहा है तब जा कर के आप साउथ वेस्ट में बनाओगे। लेकिन किसी भी हालात में आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाओगे, क्योंकि वो देव का स्थान होता है। देव का स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट। अगर वहीं पे आप बाथरूम रख दोगे तो फिर वो बाथरूम और देव स्थान में, अगर जो किसी देवता को देवता की जगह पे टॉयलेट कर दोगे या टॉयलेट रख दोगे तो आप सोच सकते हो कि ये उचित है या अनुचित है, ये अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद बात करते हैं बोरिंग कहाँ करना चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ, जो पीने वाला पानी होता है उसकी बात कर रहा हूँ। सेप्टिक टैंक और बोरिंग कहाँ करना चाहिए, देखिए इसके लिए जो सबसे बढ़िया जगह होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। बोरिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह होता है नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते हो आप तो आप ईस्ट में भी कर सकते हो बोरिंग। अगर यहाँ पे भी नहीं हो सकता तो आप नॉर्थ में भी कर सकते हो बोरिंग। अगर यहाँ पे भी नहीं होता है तब जा कर के आप साउथ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन जगहों का चुनाव कर सकते हो लास्ट में। लेकिन किसी भी हालात में आपको साउथ वेस्ट में बोरिंग या सेप्टिक टैंक जो पानी पीने वाला होता है वो किसी भी हालात में नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं टेंपल, मंदिर कहाँ बनाना चाहिए घर में। मंदिर बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह होता है वो नॉर्थ
ईस्ट होता है, सबसे बढ़िया जगह होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। अगर यहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते तब उसके बाद आप बना सकते हो, ईस्ट में मंदिर बना सकते हो, फिर नॉर्थ में मंदिर बना सकते हो। अगर यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है उसके बाद आप बनाओगे साउथ में या वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में, लेकिन किसी भी हालात में आपको साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं बनाना है, क्योंकि साउथ वेस्ट टॉयलेट की जगह होता है, टॉयलेट की जगह पे हम मंदिर नहीं बना सकते। आपके घर में उतना ही असर करेगा जैसे कि आप मंदिर की जगह पे टॉयलेट रख दो, टॉयलेट की जगह पे मंदिर रख दो। ये दोनों उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ओवर हेड टैंक कहाँ रखना चाहिए, जो पानी रखते हैं छत के ऊपर पानी की टंकी, वो कहाँ पे बनाना चाहिए। देखिए उसके लिए सबसे बेस्ट जो जगह होता है वो होता है बेस्ट कवाल, बेस्ट साइज में, बेस्ट साइड में आपको सेफ्टी टैंक रखना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है तब जा कर के आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, अगर यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहा है तब जा कर के आप साउथ में रख सकते हो। अगर इन तीन जगहों पे नहीं मिल पा रहा है आपको सेफ्टी टैंक रखने का जगह, तब जा कर के आप नॉर्थ में, उसके बाद से ईस्ट में भी रख सकते हो, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, और नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। इन जगहों पे सेफ्टी टैंक रखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट जगह होता है वो होता है बेस्ट कवाल, पश्चिम कवाल। अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए। देखिए मास्टर बेडरूम बनाने के लिए आपको जो सबसे बढ़िया जगह होता है वो होता है साउथ वेस्ट। मास्टर बेडरूम बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह होता है वो होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम बनाते हो तो बहुत उन्नत करता है। अगर आप यहाँ पे मास्टर बेडरूम नहीं बना सकते हो तो आप साउथ ईस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से आप वेस्ट में भी बना सकते हो मास्टर बेडरूम, उसके बाद से आप साउथ में भी बना सकते हो। अगर इन सारे जगहों पर नहीं बन पा रहा है तो आप नॉर्थ में भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है तब जा कर के आप ईस्ट में मास्टर बेडरूम बना सकते हो, और नॉर्थ ईस्ट में भी मास्टर बेडरूम बना सकते हो, और उसके बाद से नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हो। लेकिन बाद में जो सबसे बढ़िया जगह होता है वो होता है साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए, क्योंकि साउथ वेस्ट मालिक का कमरा होता है। अब बात करते हैं बच्चों का बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए। बच्चों का बेडरूम बनाने के लिए देखिए नॉर्थ और क्या कहते हैं नॉर्थ और वेस्ट ये सबसे उत्तम माना जाता है। अगर वहाँ पे नहीं बना सकते हो तो आप साउथ में भी बना सकते हो, ईस्ट में भी बना सकते हो, वेस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से यहाँ भी नहीं बन पा रहा है तब नॉर्थ आप साउथ वेस्ट में भी बना सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है तो आप जहाँ मर्जी बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट बच्चों के बेडरूम के लिए। अब बात करते हैं गेस्ट रूम कहाँ बनाना चाहिए। गेस्ट रूम बनाने के लिए आपको सबसे बढ़िया जगह होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम बनाने के लिए। अगर यहाँ पे नहीं बना पा रहे हो तो आप नॉर्थ में भी बना सकते हो, उसके बाद से ईस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से वेस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से आप साउथ ईस्ट में भी बना सकते हो। लेकिन बाकी जो जगह बच रहा है अगर नहीं बन पा रहा है तब आप कहीं भी बना सकते हो, साउथ में, फिर उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट में, फिर उसके बाद से साउथ वेस्ट में, यहाँ पे भी बना सकते हो, डेंजर नहीं है, आप बना सकते हो। अब बात करते हैं ड्राइंग एरिया कहाँ बनाना चाहिए। देखिए ड्राइंग एरिया बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट ड्राइंग एरिया के लिए। अगर यहाँ पे नहीं बन पा रहा है तो आप कहीं भी बना सकते हो, कोई डेंजर नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट की जगह पे अगर नहीं बन पा रहा है तो आप साउथ ईस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से वेस्ट में भी बना सकते हो, और उसके बाद ईस्ट में भी बना सकते हो, उसके बाद से आप नॉर्थ में भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे नहीं बन पा रहा है तब जा कर के आपको दिशा चूज करना है साउथ, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद चूज करना है। एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूँ, किचन किसी भी हालात में नॉर्थ
ईस्ट में नहीं बनना चाहिए, किसी भी हालात में नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनना चाहिए। उसके बाद स्टेयर केस भी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद टॉयलेट भी नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद से जो बोरिंग होता है वो आपको साउथ वेस्ट में कभी नहीं बनना चाहिए। एक एक किचन हो गया, दूसरा स्टेयर केस हो गया, तीसरा टॉयलेट हो गया और चौथा बोरिंग हो गया। इन चारों को कभी भी इन दिशाओं में नहीं बनाना चाहिए। बाकी आप कोई भी कुछ भी इधर उधर कर लेते हो तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ये जो चार चीज़ें हैं, किचन हो गया, स्टेयर केस हो गया, टॉयलेट हो गया, बोरिंग हो गया, इनको इनके दिशा में ही बनाना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो वो जो डेंजर है, जैसे किचन के लिए हो गया नॉर्थ ईस्ट, स्टेयर केस के लिए हो गया नॉर्थ ईस्ट, और फिर टॉयलेट के लिए भी हो गया नॉर्थ ईस्ट, और बोरिंग के लिए हो गया साउथ वेस्ट, इन चारों को इन जगहों पे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं भी बना सकते हो। अगर आपको भी अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमसे बनवा सकते हो। हम लोग वास्तु के अनुसार ही घर का डिजाइन करते हैं। अगर आप अपने प्लॉट के साइज का वीडियो देखना चाहते हो एज पर वास्तु, तो आप अपने प्लॉट का साइज और उसके अंदर क्या क्या बनवाना है आप कमेंट में लिख करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं आपके प्लॉट के साइज का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और बेल की घंटी भी दबा लें ताकि उसका सूचना आपको पहले मिल जाए। इसी के साथ नमस्कार।